अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू एन अदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में ये मोबाइल है नोकिया का 3310। इसमें जो है वो कीपैड की प्रॉब्लम है। कीपैड में ये है कि इसमें स्टार ये जब चेक कर लें, ज़ीरो और हैश जो है वर्किंग नहीं करता। तो आज की इस वीडियो में मैं आप तमाम दोस्तों को मुकम्मल तरीक़ाकार बताऊँगा कि आप किस तरीके से अपने नोकिया 3310 का कीपैड जो है वो रिपेयर कर सकते हैं। जो दोस्त अभी चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मोबाइल रिपेयरिंग से आने वाली हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बासानी जो है वो मसूल हो सके। सबसे पहले हम सेट को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है खोल लेते हैं और इसके बाद आपको चेक करवाते हैं कि कहां से इसकी कीपैड की लाइंस वगैरह होती हैं। ये देख लें, ये कीपैड की लाइंस वगैरह यहाँ से होती हुई यहाँ पर तक आ रही है। आपने जस्ट एक जंपर करना है और एक जंपर करके आप जो है इसका स्टार ज़ीरो और हैच जो है वो बिल्कुल ओके कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ जंपर करना कहाँ से और किस जगह लगाना है। इसके बाद हम इसका फ्रंट वाला जो है कीपैड जो स्ट्रिप है उसको खोल के चेक करते हैं कि हमारे कीपैड में क्या प्रॉब्लम है। वहाँ पे इसका टच वगैरह काम कर रहा है। इसको फ्रंट की साइड से खोल के जो है हम चेक कर लेते हैं। इसको कीपैड को चेक करते हैं। ये देख लें, कीपैड जो है तकरीबन बिल्कुल फ्रेश हालत में पड़ा है। इसकी जो है वो लाइन ही ब्रेक हुई है, तो लिहाजा जो लाइन कहाँ से, ये आपने बोर्ड चेक कर लिया। इसमें वैल्यूज वगैरह मुकम्मल ठीक है, तकरीबन ये फ्रेश हालत में है। तो इसमें जो लाइन ब्रेक है वो यहाँ से है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से एक आपने जंपर उठा के जो है यहाँ जंपर करना है इस साइड वाली साइड से। जो बैटरी कनेक्टर के साथ जो पहला ऑप्शन है ना, ये आता है लाइन में, ठीक है, यहाँ से उठा के दूसरे वाले जंपर पे यहाँ पे जंपर करना है और इससे आपका जो कीपैड है वो वर्किंग में आ जाएगा। ये मैं आपको इसमें जो है जंपर करके चेक करवाता हूँ कि आपने कहाँ से और कौन सा जंपर करना है। ये आप जुड़े रही वीडियो के साथ, इसमें आपको मुकम्मल तरीके पर चल जाएगा कि आप ये किस तरीके से इसका जो कीपैड जो है वो ओके कर सकते हैं। सबसे पहले हमने एक जंपर पाई ली और यहाँ सेंटर से इसको जो ये वाला यहाँ से जंपर उठा के, ठीक है, आपने आगे ले जाना है बड़े वाला जंपर, यहाँ से वायर को जो है आपने कट कर लेना है। कट करने के बाद इसके वायर को आपने एक दफ़ा अच्छे तरीके से जो है ये शोल्डर कर लेना है प्रॉब्लम के साथ, इसलिए मैं शोल्डर कर रहा हूँ। उसके बाद आपने जो है जंपर इसके साथ एंड पे कहाँ लगाना है मैं आपको बताता हूँ। हमने अब इस पर जंपर कर दिया है और जंपर कहाँ से किया है मैं आपको बताता हूँ। ये सेंटर वाला पहला पॉइंट और दूसरे वाले पॉइंट से, यहाँ से आपने जंपर उठा के जो है ये बैटरी कनेक्टर के साथ वाला जो पहला पॉइंट है, ये आपको चेक करके जूम करके चेक कराऊँ, ये अब आपको अच्छे तरीके से नज़र आ रहा होगा। और कहाँ से जंपर वायर उठाई, ये दूसरे वाले पॉइंट से, ये आपको नज़र आ रहा होगा। दूसरे वाले पॉइंट से उठा के पहले वाले इस पॉइंट पर हमने जो जंपर कर दिया है। तो अब हम मोबाइल को जो है वो दोबारा फिट करके चेक करते हैं कि हमारा जो ये जंपर करने के बाद जो है वो सेट वर्किंग कर रहा है, इसमें कीपैड की वर्किंग हो चुकी है या नहीं, ये आपको मैं चेक करवाता हूँ। ये अब सेट ऑन हो चुका है, थोड़ा सा वेट करते हैं ताकि ये सेट मुकम्मल ऑन हो जाए। इसके बाद मैं आपको चेक करवाता हूँ कि इसका स्टार हैश और ज़ीरो वर्किंग कर रहा है कि नहीं। ये देखें स्टार, ये आ गया, सॉरी हैश, स्टार ज़ीरो और हैश, ये देख लें प्रॉपर जब है इसके कीपैड वगैरह जो है वो बिल्कुल वर्किंग कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।